वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ पास्ट टेंस के बारे में कि पास्ट टेंस कैसे कहते हैं। हमारे टेंस में हमने दो वीडियो पहले से ही बनाए हैं, हमने एक वीडियो बनाया था टेंस के परिचय के बारे में, मतलब टेंस के बेसिक के बारे में बताया था, और एक वीडियो बनाया था हमने अपने परिचय टेंस के बारे में। हमने टेंस में पढ़ा था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको मैंने बताया था कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, परिचय टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगर हमारे आप पुराने वीडियो को नहीं देखे हो तो एक बार देख लीजिए, आपको जिससे इसको मैं पढ़ाऊंगा तो आसानी से समझ में आए। चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ पास्ट टेंस पढ़ाना। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा तो पूरा का पूरा समझ में आपको आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले देखिए टेंस, हमने आपको बताया था टेंस को काल या समय कहते हैं। काल या समय आपके तीन प्रकार के होते हैं, एक समय क्या होता है जो बीत चुका है, एक समय कहते हैं जो हमारा चल रहा है, और एक समय कह सकते हैं हमारा समय आने वाला। जो हमारा समय बीत चुका होता है उसको पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले मैं घर पर था, अभी कुछ समय पहले मैं घर पर था तो वो समय हमारा बीत चुका है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब हमारा एक समय हो गया चल रहा है। अभी जो हम मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं, कह सकते हैं समय हमारा चल रहा है। एक समय होगा कि आपको मैं इसको पढ़ा के दूसरी टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उस समय भी कुछ समय बाद आने वाला है, इतना क्लियर। तो चलिए हम पास्ट टेंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पास्ट टेंस, भूतकाल। पास्ट टेंस की हिंदी क्या होती है? भूतकाल होती है। अब पास्ट टेंस कहते किसे? तो आप कहोगे इस काल में समय के बीत जाने का बोध होता है। इसे सुनिए, इस काल में समय के बीत जाने का बोध होता है, मतलब आपको क्या पता लगता है इस काल में कि हमारा समय बीता हुआ है, मतलब कोई भी बात होगा तो कह सकते हैं वो समय बीत चुका है उसमें हुआ होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं, मैं छात्र था, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ मैं छात्र था, अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपके लिए क्या होगा? अध्यापक हूँ, तो मैं कुछ समय पहले क्या था? छात्र था, अब अध्यापक हूँ, तो हमारा समय बीता हुआ है कि नहीं बीता हुआ? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एक छात्र था, मतलब पहले मैं एक छात्र था, अब मैं क्या हूँ? एक अध्यापक। तुम एक किसान थे, अब पढ़ लिख के कह सकते हैं पुलिस बन गए होगे, या कह सकते हैं IAS बन गए होगे, कोई भी ऐसी चीज बन गए होगे, पहले आप क्या थे? किसान थे। वह एक लड़की थी, अब क्या हो गई? लड़का हो गई होगी, या डांसर हो गई होगी, या कुछ भी हो गई होगी, तो सकते हैं पहले वो लड़की थी, अब कुछ और हो गई होगी, इतना क्लियर। इस काल के समय में क्या होता है? इस काल में आपको समय के बीच जाने का बोध होता है, मतलब क्या होता है? हमारा समय बीता हुआ होता है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं और आपको एक एक टॉपिक हम अच्छे से समझाते हैं। सबसे पहले देखिए इसकी पहचान क्या होगी। पहचान, अगर किसी भी वाक्य के अंत में हमारे था, थी, थे अगर आ रहे हैं तो आप जान जाओगे वो क्या है? पास्ट टेंस। ये तो सुनिए, किसी भी वाक्य के अंत में था, थी, थे अगर आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस। जैसे मैं छात्र था, आया कि नहीं आया? मैं एक छात्र था, तुम एक किसान थे, वह एक लड़की थी, आखिरी में क्या आ रहा है? था, थी, थे, ये सब अगर आ रहे हैं तो आपके पास्ट टेंस हो जाएगा, इतना क्लियर। अब देखिए ध्यान से, इसमें यूज आपको कौन से करने कह सकते हैं? यूज फॉर, मतलब आपकी सहायक क्रिया क्या होगी? तो आपकी सहायक क्रिया इसमें हम लगाएंगे वाज और वियर। सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? वाज और वियर लगाएंगे। आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन होता है वाज और वियर किस किस के साथ लगाएंगे? तो ही सी ही कह सकते हैं, आई ही सी इट, नेम दिस के साथ आप वाज लगाओगे, और यू और बी और दे के साथ क्या लगाओगे? वियर लगाओगे, इतना क्लियर। अभी कह सकते हैं आपका एग्जाम्पल करेंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। हमने क्या कहा? आई ही सी इट नेम दिस के साथ आप वाच का प्रयोग करोगे, यू बी दे के साथ आप वियर का प्रयोग करोगे, इतना क्लियर। हमारे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? साधारण वाक्य, मतलब इसमें आपको साधारण वाक्य दिए जाएंगे। मैं छात्र हूँ, मैं किसान हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ, या एक पेन है, या एक ब्लैक बोर्ड है, ऐसे कह सकते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। तो रूल देखिए इसका क्या है? रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट, वाच, वियर, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अब ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल क्या है? मैं एक छात्र था, क्या है? मैं एक छात्र था, तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखेंगे मई की इंग्लिश क्या होती है? मई की इंग्लिश होती है आई, इतना क्लियर। मई की इंग्लिश क्या होती है? आई। अब क्वेश्चन बता दें सब्जेक्ट हमारा क्या है? सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैं, मेरे बारे में कहा जा रहा है, तो यहाँ क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया मैं। मई की इंग्लिश क्या होगी? आई। अब क्वेश्चन उठता है कि आई के साथ वाज लगाएंगे कि वियर लगाएंगे? तो हमने यहाँ लिख दिया है आई ही सी इट नेम दिस के साथ आप क्या लगाओगे? सहायक क्रिया वाज लगाओगे, तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा? वाज आ जाएगा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? एक है, तो आप क्या लगा दोगे? एक का आ। छात्र यहाँ का क्या है? अदर वर्ड है। छात्र का क्या होता है? स्टूडेंट होता है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? स्टूडेंट, इतना क्लियर।
ठीक है सुनिए, सब्जेक्ट यहाँ क्या है, मैं, मेरे बारे में कहा जा रहा है, तुम्हें क्या हो गया, आपका आई हो गया, वाज वेयर कह सकते हैं, मैं के साथ आप क्या लगाओगे, इधर लिखिए मैं, ही सी नीड नेम दिस के साथ आप क्या लगाओगे, वाज, तुमने वाज लगाया। एक छात्र का क्या होता है, आप स्टूडेंट, क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या लिखा है, तुम, सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम, तुम्हारे बारे में कहा जा रहा है तुम एक छात्र थे, तो सब्जेक्ट क्या है तुम, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, यू। फिर देखिए क्या है, वाज वेयर, आप देखिए यू के साथ वाज लगाते हैं कि वेयर, तो आप ध्यान से लिखोगे यू वी दे के साथ क्या लगाते हैं, वेयर लगाते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, वियर आ जाएगा। फिर देखिए ध्यान से, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, एक, तो एक का क्या लिखोगे आप, आ। फिर क्या करते हैं, किसान, किसान का क्या होता है आपको पता होना चाहिए, फार्मर होता है, क्या होता है, फार्मर, लीजिए हो गया, यू वियर आ फार्मर, तुम एक किसान थे। फिर जो सुनिए, तुम की इंग्लिश क्या हुई, यू। फिर कह सकते हैं तुम के साथ सारी क्रिया क्या करते हैं, वियर, तो यहाँ वियर हो गया, एक किसान का क्या हो गया, आ फार्मर, इतना क्लियर। वह एक लड़की थी, वह एक लड़की थी, अब देखिए ध्यान से, आपको एक चीज और बताते हैं, अगर हमारा ही आता है तो आप ही के साथ क्या लगाओगे, कह सकते हैं, देखो ध्यान से, आपकी ही किसके लिए लगता है, मेल के लिए लगता है, और सी आपकी किसके लिए लगता है, फीमेल के लिए लगता है, तो आपको ये बेसिक क्लियर होना चाहिए कि अगर लड़की होगी तो आप सी लगाओगे और लड़का होगा तो ही लगाओगे, तो क्या है, वह एक लड़की थी, तो इसके लिए क्या लगाओगे, सी। अब सी के साथ सहायक क्रिया क्या लगता है, तो आई ही सी इट नेम दिस के साथ क्या लगता है, वाज, तो आप यहाँ के लिख दोगे वाज। अब एक लड़की का क्या होता है, तो एक लड़की का होता है आ गर्ल, जी आई आर यर गर्ल। फिर सब्जेक्ट क्या है, वाह, वाह क्या क्या हो गया, सी, वाज के सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, तो यहाँ वाज हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, एक, तो आ हो गया। आदरवर्ड क्या है, गर्ल, तो क्या हो गया, गर्ल हो जाएगा, लड़की का गर्ल हो जाएगा, इतना क्लियर। फिर सुन लीजिए, हमने आपको वीडियो में तो बताया है पास्ट टेंस की क्या होती है, हिंदी भूतकाल होती है, इस काल में समय के बीच जाने का बोध होता है, मतलब इस काल में आपका समय बीता हुआ होता है, पहचान क्या होता है, था थी थे, अगर किसी वाक्य अंत में था थी थे आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। यूज फॉर, इसमें आपको सहायक क्रिया वाज लगानी है, वियर लगानी है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस की करते हैं साधारण वाक्य, इसमें साधारण से साधारण वाक्य पूछे जाएंगे, आपको उन्हें बता देते हैं वाज, एक छात्र का क्या हो जाएगा, आई स्टूडेंट, तुम आपका सब्जेक्ट है, तुम के साथ सहायक क्रिया आपको वेयर लगा दी। फिर एक किसान का क्या होता है, आप फार्मर। फिर वह एक लड़की थी, वह एक लड़की थी, कह सकते हैं वहां का क्या हुआ, लड़की थी, सी हो गया, एक लड़की थी, कह सकते हैं वहां के लिए आप सी लगाए और इसके साथ सहायक क्रिया वाज लग गया, एक लड़की का क्या हो गया, आगर, इतना क्लियर। अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा खत्म होता है, इसको मिटा के आप क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे, तो आपको नोट करना हो तो नोट कर सकते हो, मिटाने जा रहे हैं। आप देख सकते हो हमने इधर नेगेटिव सेंटेंस को लिख के रखा, नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए नेगेटिव सेंटेंस हमारे नकारात्मक वाक्य होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस आपका, नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा नकारात्मक वाक्य आएंगे, मतलब हमेशा नहीं, कभी नहीं आएंगे, जैसे मैं छात्र नहीं हूँ, मैं अध्यापक नहीं हूँ, या एक ब्लैक बोर्ड नहीं है, या एक रूम नहीं है, अगर किसी भी वाक्य अंत में या बीच में नहीं आ रहे या कभी नहीं आ रहे, तो आप जान जाओगे वो नेगेटिव सेंटेंस होता है, इसमें हमेशा नकारात्मक वाक्य होते हैं। जैसे इसका रूप क्या होता है, तो क्या है, सब्जेक्ट वाज वेयर, आपके अफर्मेटिव तरीके से एकदम है, बस वाज वेयर के बाद आपका नॉट आ जाता है, ऑब्जेक्ट और अदर, बस इसमें एक्स्ट्रा हमारा हो जाता है नॉट, और सभी के सभी रूप आप देख सकते हो अफर्मेटिव तरीके से लिखे गए हैं, सब्जेक्ट वाज वेयर नॉट ऑब्जेक्ट प्लस अदर, इतना क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल सीखेंगे तो आप जान पाओगे। सबसे पहले देखिए तुम, सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम, तुम्हारे बारे में कहा जा रहा है, तुम एक छात्र नहीं थे, कहा जा रहा है तुम एक छात्र नहीं थे, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, तुमका क्या होगा, यू। फिर देखिए तुमका क्या हो गया, यू हो गया। अब यू के साथ सहायक क्रिया क्या लगती है, तो यू के साथ सहायक क्रिया हमारी वियर लगती है, तो आप क्या लगाओगे, वियर। अब देखिए यू वियर हो गया, अब वियर के बाद क्या आएगा, नॉट, तो आप यहाँ क्या लगा दोगे, नॉट लगा दिए। फिर क्या रहा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, एक, और अदर वर्ड क्या है, छात्र, क्या हो जाएगा, आ स्टूडेंट, इतना क्लियर। यू वी आर नॉट अ स्टूडेंट, हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा तुम है, तुमका यू हो गया।
अब यू के साथ सहायक क्रिया वाल लगाओगे कि वेयर लगाओगे, यू के साथ सहायक क्रिया आप वेयर लगाओगे, तुमने वेयर लिख दिया। अब कह सकते हैं नॉट आ रहा है तो नॉट हमने लिखा, ऑब्जेक्ट क्या है एक है तो एक लिखा, और अदरवर्ड क्या है स्टूडेंट, तुमने स्टूडेंट लिख दिया, छात्र क्या हो गया स्टूडेंट। वह एक लड़की नहीं थी, वह एक लड़की नहीं थी, लड़की के लिए हमने भी आपको बताया था कि अगर लड़का होता तो वह हमने ही लगाते हैं, लड़की होती तो सी लगाते हैं, तो यहाँ से नंबर क्या आ जाएगा सी। अब आपको पता होना चाहिए सी के साथ हम वाज लगाएंगे रियर, तो सी के साथ हम क्या लगाएंगे वाज लगाएंगे, तो यहाँ क्या लिखोगे वाज, फिर क्या है नॉट, तो आप क्या लिखोगे यहाँ नॉट लिखोगे। आप ध्यान से देखोगे ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, तो ऑब्जेक्ट इसमें आप देखोगे एक है और लड़की, क्या कह सकते हैं एक का आ और लड़की का गल, लीजिए आपका बन गया। फिर से देखिए वहां का हमने क्या लिखा सी लिखा, वहां के साथ सहायक क्रिया क्या लगाओगे आप वाज लगाओगे तो वाज हो गया, नॉट का हमने नॉट लिखा, ऑब्जेक्ट क्या है आ, एक का आ हो गया, अदर वर्ड क्या है गल, क्लियर। मैं एक अध्यापक नहीं था, मैं एक अध्यापक नहीं था, तो कह सकते हैं मैं यहाँ क्या है आपका सब्जेक्ट, तो मैं इंग्लिश क्या हो गई आई हो गई। अब कह सकते हैं आई के साथ आपकी सहायक क्रिया क्या लगती है वाज लगती है, तो यहाँ क्या लगाएंगे वाज लगा देंगे। अब ध्यान से देखिए वाज हो गया, अब कह सकते हैं इसमें हमारा नॉट आ रहा है तो क्या लिखेंगे नॉट, अब क्या आ रहा है ऑब्जेक्ट आ रहा है तो एक अध्यापक का क्या हो जाएगा आ टीचर, क्लियर। मैं एक छात्र नहीं, मैं एक छात्र कहते तुम एक छात्र नहीं थे, यू वी आर नॉट अ स्टूडेंट, वह एक लड़की नहीं थी, सी वाज नॉट अ गर्ल, मैं एक अध्यापक नहीं था, आई वाज नॉट अ टीचर, इतना क्लियर। कहीं भी आपको डाउट हो तो कमेंट करके बताइए, मैं आपको अवश्य समझाऊंगा। चलिए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस के बाद हमारा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, इंट्रोगेटिव सिंगल होते हैं, इंट्रोगेटिव डबल होते हैं, तो एक एक करके हम सभी को सीखेंगे। आप देख सकते हो हमने इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस को कह सकते हैं, इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस को लिख के रखा है, अब एक एक करके हम इसको सीखेंगे। सबसे पहले देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तुम कहाँ थे, तुम कैसे थे, क्या तुम्हारा नाम राम है, क्या तुम्हारा नाम सोहन है, तुम अभी तक कहाँ थे, तुम क्या कर रहे थे, अगर ऐसे क्वेश्चन बीच में आपसे पूछे जाते हैं तो आप जान जाओगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब इसमें आपसे क्या पूछे जाते हैं, सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस मतलब आपसे डायरेक्ट सिर्फ क्या से पूछे की जाएगी, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम कैसे हो, कह सकते तुम कैसे हो, तुम कहाँ थे, ऐसा नहीं कह सकते सॉरी गलती हो गई है, कह सकते हैं इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस में आपसे क्या से पूछा किया जाएगा, क्या यह एक मार्कर है, क्या यह एक बोर्ड है, क्या मैं एक अध्यापक हूँ, क्या यह एक क्लासरूम है, अगर क्या से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप जान जाओगे इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस। लेकिन वही क्या आपका अगर बीच में आ रहा है, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कैसे हो, तुम कहाँ थे, अगर तुम कहाँ थे, कहाँ, कब, कैसे, क्या, अगर हमारे वाक्य के बीच में आ रहे हैं तो आप जान जाओगे इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस। जैसे इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस, क्या तुम एक अध्यापक नहीं थे, क्या वह एक लड़का था, अगर आपसे क्या से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस होगा। और अगर तुम कहाँ थे, मैं क्यों यहाँ था, वह एक लड़का क्यों था, तो इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस हो जाएगा। कब, यहाँ, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव डबल सेंटेंस। तो आप देख लीजिए सहायक क्रिया में सबसे पहले आप क्यों का क्या लगा दोगे, वाई लगा दोगे, अगर बीच में क्या आता है तो उसका वाट लिखोगे, और कहाँ आता है तो वेयर लिखोगे, और वेन आता है तो कब लिखोगे कह सकते हैं, और यहाँ का हियर होता है, वहां का क्या होता है डियर। तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव सिंगल सेंटेंस को देखेंगे, दो वाक्य हैं, सबसे पहले क्या लिखा है वाच वेयर, तो आपको पता होना चाहिए वाच वेयर किसके साथ लगाएंगे। सबसे पहले क्या है, क्या तुम एक अध्यापक नहीं थे, तो तुम के साथ सहायक क्रिया क्या लगाते हो, वाच लगाते हो, वेयर लगाते हो, तो तुम के साथ सहायक क्रिया क्या लगाते हो, वेयर लगाते हो, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा वेयर हो जाएगा, इतना क्लियर। फिर क्या हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम, तुमका क्या हो जाएगा यू हो जाएगा। फिर देखिए हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें आपको क्या मिलेगा एक मिलेगा ना, देखिए देखिए इसमें नहीं भी तो आ रहा है, तो हमारा अगर नहीं आता है तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ क्या हो जाएगा हमारा नॉट हो जाएगा, तो आपका क्या हो गया वेयर यू नॉट, अगर हमारा नहीं आता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट होगा, अगर नहीं आता है इसमें नहीं है तो यहाँ नॉट होने लगे। तुम एक अध्यापक नहीं, तो क्या हो गया तुम के साथ सहायक क्रिया हम वेयर लगाते हैं, वेयर लिखे, तुम क्या है सब्जेक्ट यू लिखे, यू के साथ फिर नॉट लिखे, फिर एक अध्यापक, तो एक अध्यापक से क्या होता है आ
टीचर, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि क्वेश्चन मार्क से पता होता है आपसे क्वेश्चन पूछे गए। क्या वह एक लड़का था? सबसे पहले देखिए वह के लिए आप सहायक क्रिया क्या लगाते हो? ही लगाते हो सी, तो आपको पता होना चाहिए लड़का है तो आप ही लगाओगे और लड़की होगी तो सी लगाओगे। वह, वह के लिए सहायक क्रिया क्या लगता है? ही के लिए क्या लगेगा? वाज लगेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाज। फिर क्या आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हुआ? तो वह का क्या हो जाएगा? ही हो गया। फिर कह सकते हैं हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट तो नहीं, इसमें तो है नहीं, तो नॉट लगाएंगे नहीं। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक लड़का, कह सकते हैं आ बॉय। फिर क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलो। अब देखिए इंटरव्यू डबल सेंटेंस, इंटरव्यू डबल सेंटेंस का रूट क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड, वाज, वियर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। आपके रूट भैया कहते हैं इंटरव्यू सिंगल सेंटेंस के तरीके से होते हैं, बस इसके आगे क्या आ जाते हैं? क्वेश्चन वर्ड। आप देख सकते हो क्वेश्चन वर्ड इसमें आ गया है, वाज वियर है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। अगर इसमें भी नहीं आता है तो आप क्या लगाओगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दोगे, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। आप देखिए ध्यान से, तुम कहां थे? कहां की इंग्लिश क्या होती है? कहां की इंग्लिश होती है वियर। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? वियर लिखोगे। अब देखिए कहाँ का क्या हो गया? वियर हो गया। अब क्या लगाते हैं? वाज वियर। कह सकते तुम के साथ क्या लगाते हो? तुम के साथ आप वियर लगाते हो तो क्या हो जाएगा? यहाँ वियर हो जाएगा। अब फिर देखिए वियर हो गया, सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो तुम का क्या होगा इंग्लिश? यू। आप देखोगे ऑब्जेक्ट अदर वर्ड इसमें नहीं दिए हुए, तो आप क्या करोगे? इनसे क्वेश्चन मार्क लगाओगे कहाँ का? वियर, वियर, यू। तुम कहाँ थे? तुम देखो कहाँ का क्या हो गया? आप क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड का वियर हो गया। तुम के देखो तुमके साथ सहायक क्रिया क्या? तो वाज वियर। तुम कह सकते वाज वियर लगाते तो वियर हो गया, और हमारा क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या गया? तुमका यू। ना क्लियर? मैं क्यों यहाँ था? मैं क्यों यहाँ था? सबसे पहले क्यों आ रहा है क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन, तो क्योंकि इंग्लिश क्या होती है? वाई होती है। तो क्या लिखेंगे यहाँ? वाई। अब क्या हमारा? वाज वियर। तो मैं के साथ कह सकते सहायक क्रिया क्या लगती है हमारी? वाज लगती है। आप यहाँ से देख सकते हो मैं के साथ सहायक क्रिया वाज। फिर कह सकते यहाँ कह सकते हैं आपका सब्जेक्ट क्या है इसमें? तो सब्जेक्ट कह सकते हैं हमारा मैं, मैं की क्या हो जाएगी? आई हो जाएगी। फिर कह सकते हैं हमारा सहायक अदर वर्ड क्या है? यहाँ। तो क्या हो जाएगा? यहाँ का क्या होता है? यहाँ का होता है हियर। क्या हो जाएगा? हियर। क्वेश्चन मार्क, मैं क्यों यहाँ था? वाई, वाज, आई, हियर। मैं यहाँ क्यों था? वह एक लड़का क्यों था? कह सकते हैं वह एक लड़का क्यों था? क्यों क्या है हमारा? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड आप क्यों करके लगाओगे? वाई लिखोगे। फिर क्या है? वो देखो वह एक लड़का क्यों था? लड़का के लिए क्या लगते हैं? ही लगाते हैं। ही के साथ सहायक क्रिया क्या लगती है? वाज। तो आप क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे? वाज आ जाएगा। फिर क्या हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वाह। तो वाह का क्या होगा? ही। फिर देखिए क्या हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? एक लड़का। तो क्या हो जाएगा? आ बॉय। और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं। तो हमारा पांच दस होता है कंप्लीट। हमारा वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके बताइए, और कहीं भी आपको ना समझ में आया हो हमारे वीडियो में तो आप पॉज से बताइए, मैं उसको आपको डाउट क्लियर करके अवश्य बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत। तब मिलते हैं अगले वीडियो में। अब इसके बाद आपको बताएंगे फ्यूचर टेंस के बारे में, फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़िए, और वीडियो ना समझ में आए तो कमेंट करके बताइए।